गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें सामने आई। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गुजरने वाले हर ऑटो रिक्शा चालकों पर थप्पड़ और लाठी से हमला किया। बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं को जिले में सड़कों पर गश्त करते और ऑटो रिक्शा चालकों को रोकते देखा गया। इस दौरान उन्होंने कई ड्राइवर को थप्पड़ भी मार दिया, साथ ही कुछ लोगों के पास लाठियां भी थी, जिससे वे वहां गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालकों को मारते नजर आए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बंद में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उनके साथ शिव सैनिकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिस का सहारा भी लिया। एक और वीडियो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सामने आया है, जहां पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार को धमका रहे हैं और दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं। आखिर में दुकानदार मजबूर होकर अपनी दुकान बंद करने लगता है। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं वेस्ट की ओर से बताया गया कि बंद के दौरान शहर के अलग अलग हिस्से में उनकी 9 बसों को क्षतिग्रस्त किया गया। न्यूज डेस्क, वी न्यूज़।